दुर्ग में 15 से 18 वर्ष आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन प्रारंभ। जेआरडी शासकीय स्कूल में 300 बच्चों को लगी कोरोना रोधी वैक्सीन। शहर विधायक व महापौर ने स्कूल पहुंचकर वैक्सीनेशन को लेकर देखी व्यवस्था। 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आरंभ किए गए वैक्सीनेशन अभियान के तहत सोमवार को अभियान के पहले दिन स्कूली बच्चों ने वैक्सीनेशन लगाने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका नज़ारा दुर्ग के झाड़ूराम देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिला, जहां बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ वैक्सीनेशन कराया। इस मौके पर जेआरडी स्कूल की प्राचार्या ने बताया कि उन्होंने वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत 800 बच्चों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है और इसी के तहत ही अभियान के पहले दिन 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें वैक्सीन लगाई गई। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन अभियान के दौरान अपोलो कॉलेज के द्वारा बच्चों के नाश्ते की भी व्यवस्था की गई थी, साथ ही वैक्सीन लगाने के बाद बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में भी रखा गया। गौरतलब है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन शहर विधायक अरुण वोरा और निगम महापौर धीरज बाकलीवाल स्कूलों में आयोजित टीकाकरण केंद्रों में पहुँचे और टीकाकरण की व्यवस्था देखी। इस मौके पर निगम महापौर धीरज बाकलीवाल और शहर विधायक अरुण वोरा ने टीकाकरण के लिए स्कूली बच्चों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोरोना की इस जंग में वैक्सीनेशन का लगाना आवश्यक है, तभी 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर कोरोना से जंग जीती जा सकती है। इस संबंध में जेआरडी स्कूल की प्राचार्या ने न्यूज़ टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सुबह 7:30 से बच्चों को बुला लिए थे, 9th से 12th के बच्चे वैक्सीनेशन में आए, बहुत बच्चे 860 बच्चे उसमें से करीबन 700 बच्चे आए हुए हैं और उनका वैक्सीनेशन अभी भी चल रहा है और अभी रजिस्ट्रेशन के लिए 4 जन बैठे हैं। अभी इस टाइम तक हमारे यहाँ पे 300 बच्चों का वैक्सीनेशन हो गया। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन रूम दिए हैं, उसके बाद दूसरा जो रूम जो दिए वैक्सीनेशन का रूम है, तीसरा जो रूम है ऑब्जर्वेशन का रूम है और उसमें बच्चों को बैठा के रखते हैं। उसके बाद उनको घर छोड़ दिया जाता है, उनको बिस्किट्स एंड फ्रूटी सप्लाई किया जा रहा है रुंगटा सर के ग्रुप से। रुंगटा सर ने प्रोवाइड किया और हमारे भी विधायक भी पहुंचे थे और बहुत अच्छे से वैक्सीनेशन हो रहा। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो कि जिसको फीवर है या कुछ है, तो हमारी डॉक्टर की टीम थी, उनसे पूछा गया, उनसे परमिशन लिया गया और फिर उनको पेरेंट्स बहुत कॉपरेट कर रहे हैं। कुछ के पेरेंट्स खुद क्लास टीचर्स को लगाते हैं, हम लोग को लगाते हैं तो उनका सहमति है। कई तो पेरेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि यहाँ आके उन्होंने सहमति दिया है, तो कॉपरेट तो कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।